You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह का स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग EMT में ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन का हमने इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना सीखा, जिसका ये फॉर्मूला हमने फाइनली डिराइव किया था। और इस डेरिवेशन में फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है कि ये है लॉसलेस ट्रांसमिशन के लिए। अगर लॉसी ट्रांसमिशन की बात करें हम, तो जब इससे ऊपर एक स्टेप पहले वाली बात थी, वहां पे हमने जहां गामा इज इक्वल टू जे बीटा रखा था, वहां सिर्फ गामा रखे रहना है, तो वो लॉसी ट्रांसमिशन के लिए हो जाएगा। यहाँ लॉसलेस ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस हमारा ये निकला था जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट जे 10 बीटा एल डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस जे एल जेड एल जे 10 बीटा एल। बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। बीटा यहाँ पे फेज कांस्टेंट है और लेमडा जो है वो हमारी सिग्नल की वेवलेंथ है। जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा उस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, उसकी वेवलेंथ है। तो बीटा की जगह अगर हम 2 पाई लेमडा पुट कर दें यहाँ बीटा की जगह, तो देखिए 2 पाई लेमडा इंटू एल, यहाँ भी 2 पाई लेमडा इंटू एल। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो एक बार मैं यहाँ पे ड्राइव करके बताऊंगा और उसके बाद फाइनली आपको शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बता दूंगा, बहुत छोटा सा स्टेप है। अगर कभी याद ना कर पाओ तो एक स्टेप में आप सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे पहला हमारा यहां पे देखना है हमें, चार हमारे पास पॉइंट है, चार टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो लेंथ जो है ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो लेमडा बाई टू के मल्टीपल में होगी, इंटीजर मल्टीपल में। लेमडा बाई टू मतलब जीरो हो सकती है, लेमडा बाई टू हो सकती है, टू इंटू लेमडा बाई टू, थ्री इंटू लेमडा बाई टू, फोर इंटू लेमडा बाई टू, एंड सो ऑन। दूसरा, एल की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, दैट मींस n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 4, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4, n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 4। दैट मींस हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4, या तो इस टाइप से ये फॉर्मूला लिख लें, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4, मतलब इस 2n प्लस 1 की जगह अगर हम सिर्फ n लिख दें तो यहाँ पे n की वैल्यूज जो है वो ऑड हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 4 का। चौथे क्वेश्चन में जो लेंथ आएगी वो लैम्डा बाई 8 में, देखिए एक बार n की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 8, 1 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 8, 2 रखेंगे तो 9 लैम्डा बाई 8, मतलब 1, 5, 9 प्लस 4 प्लस 4 होता जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है तो 4n माइनस 1 मतलब 3, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 अगर यहां पे रखते हैं तो 7 हो जाएगा, मतलब इस वाले में जो ऑड टर्म्स मिसिंग थे वो ऑड टर्म इसमें आ गए, तो ये दोनों मिला के टोटल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 8 हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन कौन से टर्म है, इसमें लैम्डा बाई 8, फिर 5 लैम्डा बाई 8, फिर 9 लैम्डा बाई 8, लेकिन इसमें कौन कौन से हैं जो ऑड रिमेनिंग ऑड है, मतलब 3 लैम्डा बाई 8 और 7 लैम्डा बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये सारी कंडीशंस के क्वेश्चन हमें करना है, इनकी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में तीन कंडीशन होंगी, या तो लोड इज इक्वल टू, लोड वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि लोड जो है वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन को आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट कर दिया है। दूसरी कंडीशन हम बोलेंगे ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मींस ओपन सर्किट की कंडीशन बोला जाएगा, इसको ओपन सर्किट की कंडीशन बोलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट है लोड का इंपीडेंस। तीसरी कंडीशन जो है वो ZL इज इक्वल टू Z नॉट, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के इक्वल अगर हो जाए लोड का इंपीडेंस, इसे बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग की कंडीशन या परफेक्ट मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग या परफेक्ट मैचिंग क्यों बोलते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट लोड, आपको हमने बताया था रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की लोड पर जो वैल्यू होती है वो होती है ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट। यहां पे आप देखिएगा कि अगर हमारी ZL और Z नॉट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यहां से हमें पता है ये रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव, तो यहां से रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दैट मींस कोई सिग्नल रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है लौट के, जो भी सिग्नल हमने इंसिडेंट किया वो पूरा का पूरा सिग्नल आगे लोड को ट्रांसमिट हो जा रहा है, कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा। दैट मींस रिफ्लेक्टेड वेव की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पे जीरो हो जा रही है। इस केस को हम बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग, जहां पे कोई रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है यहां पे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे परफेक्ट मैचिंग की कंडीशन या इंपीडेंस मैचिंग की कंडीशन।
पहली और दूसरी कंडीशन में भी यहां अगर हम रख के देखें, ZL की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, ZL इज इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो देखिए ये जीरो जीरो माइनस Z नॉट अपॉन Z नॉट, तो ये माइनस वन हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस वन, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस वी आई, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव की जो वोल्टेज है वो इंसिडेंट वोल्टेज के इक्वल है, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट है इस केस में। ओपन सर्किट की अगर हम बात करें और ZL को इनफाइनाइट रखें तो हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ZL कॉमन ले लो तो 1 माइनस Z नॉट अपॉन ZL डिवाइडेड बाय 1 प्लस Z नॉट अपॉन ZL। अब ZL की वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए, ZL इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1, दैट मीन दैट इज इक्वल टू VR अपॉन VI। तो यहां से हम देखेंगे VR इज इक्वल टू VI, जहां पे पूरी की पूरी इंसिडेंट वेव जो है वो लौट के रिफ्लेक्ट होके आ जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। नॉर्मल सी बात है, लोड अगर ओपन सर्किट है तो पूरा का पूरा सिग्नल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को हर एक क्वेश्चन में हमें लेके चलना है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली कंडीशन, जब लेंथ की वैल्यू एन लैम्डा बाई टू हो, तो देखिए इनपुट इंपीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, जेड नॉट इंटू जेड एल प्लस जेड नॉट जे टेन टू पाई बाई लैम्डा इंटू एल की जगह हमें क्या रखना है, एन लैम्डा बाई टू डिवाइडेड बाई Z नॉट प्लस जेड एल जे टेन टू पाई बाई लैम्डा इंटू एन लैम्डा बाई टू। यहां से हम देखेंगे कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, सिमिलरली हियर, तो ये आ गया टेन एन पाई, यहां पे लैम्डा कैंसिल होगा, टेन एन पाई, एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो टेन जीरो जीरो होता है, एन की वैल्यू वन रखोगे तो टेन पाई भी जीरो होता है, एन की वैल्यू टू रखोगे तो टेन टू पाई भी जीरो होता है, टेन थ्री पाई भी जीरो होता है, मतलब एन की कोई भी वैल्यू रख दो तो ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जेड इन इज इक्वल टू आएगा जेड नॉट इंटू जेड एल प्लस ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे जो कंडीशन बन रही है वो कितनी आ रही है, जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल हो गया जेड एल। यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ सिग्नल की वेवलेंथ के हाफ के इंटीजर मल्टीपल में होगी, सिग्नल के हाफ वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल में जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है, उस केस में इनपुट इम्पीडेंस जो है वो किसके इक्वल आता है, लोड के इक्वल आता है। अब लोड के इक्वल आ गया तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करो तो आप आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में लोड की वैल्यू, लोड वोल्टेज जीरो है, दैट मीन्स इनपुट इम्पीडेंस सीधा का सीधा जीरो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में इनफाइनाइट है तो इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के इक्वल है लोड इंपीडेंस, तो थर्ड कंडीशन में इनपुट इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो लैम्डा बाई टू के इंटीजर मल्टीपल में होगी, जो सिग्नल उससे पास हो रहा है उस सिग्नल की वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल में, उस सिग्नल की हाफ वेवलेंथ अगर इंटीजर मल्टीपल में हो रही है, हाफ वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल है अगर कौन, लेंथ, ट्रांसमिशन लेंथ जो है वो हाफ वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल टाइम है, तो उस केस में इनपुट इंपीडेंस वही होगा जो क्या है हमारा, लोड इंपीडेंस है। डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो फर्स्ट के लिए एक ट्रिक आ गई है, जेड इन इज इक्वल टू जेड एल, ये हमेशा आपको याद रखना है फर्स्ट कंडीशन के लिए। ये एक ब्रह्मास्त्र है, आप याद रख लीजिएगा कि कभी भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पास होने वाले सिग्नल की हाफ वेव लेंथ के इंटीजर मल्टीपल में है तो इनपुट इंपीडेंस डायरेक्ट लोड इंपीडेंस के इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से इन्होंने बोला है कि लैम्डा बाई फोर के ऑड मल्टीपल बोला, एक्चुअली 2n प्लस 1 को अगर हम n भी रख दें तो फिर n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखिए जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पार्ट 1 आएगा,
जब वन रखेंगे तो ये पार्ट थ्री आएगा, जब टू रखेंगे तो ये पार्ट फाइव आएगा। मतलब इस पूरे की जगह अगर हम सिंपली एम लिख दें, इस पूरे की जगह, तो एम क्या होना चाहिए, एम शुड बी ऑड नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई फोर, जहां पे एम की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मतलब क्या सीखे हम यहाँ पे, ये सीखे हैं कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो लैम्डा बाई फोर मतलब क्वार्टर वेव लेंथ के ऑड इंटीजर मल्टीपल हो तब क्या होता है, तब के लिए बात कर रहा है। कोई बोलेगा इवन इंटीजर मल्टीपल क्यों नहीं, तो इवन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जैसे ही टू का मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा बाई फोर में, तो ये लैम्डा बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स लैम्डा बाई टू का इंटीजर मल्टीपल कहलाने लगेगा, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करने कर चुके हैं। वहां पे तो इनपुट इम्पीडेंस सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, लोड इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सेकंड केस भले ही 2n+1 लिखा है हमने, लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्वार्टर वेव लेंथ के ऑड मल्टीपल हो तो केस क्या होता है। उस केस में आप देखिएगा, यहां पे इनपुट इंपीडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा जेड नॉट इनटू जेडएल प्लस जेड नॉट, और यहां पे हो जाएगा जे 10, बीटा की जगह लिखा हुआ है 2π/λ, और एल की जगह, अब एल की जगह आपको क्या लिखना है, एल की जगह लिख दीजिए चाहे तो 2n+1 लैम्डा बाई फोर या एम लैम्डा बाई फोर लिख दीजिए। बस अर्थ ध्यान रखिए कि जब एम लैम्डा बाई फोर रखेंगे तो एम जो है वो क्या है, ऑड नंबर है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और 2n+1 रखेंगे तो फिर एम जो है वो इंटीजर इंटीजर नंबर है 0 से लेके एंड सो ऑन, पॉजिटिव 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहां जेड नॉट प्लस जेड एल जे 10 2π/λ एम लैम्डा बाई फोर। अब आप देखिए कि 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, दैट मीन्स m π/2। यहां समझिएगा जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट जे 10 m π/2 डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल 10 m π/2। अब आपको पता है कि m जो है वो ऑड नंबर है, तो चाहे तो 10π/2 देखें, चाहे 10 3π/2, 10 5π/2, 10 7π/2, इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगी, इनफाइनाइट, एक बार प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के केस में हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेके नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इस पूरे को एक्स मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड नॉट, इस एक्स को अगर हमने कॉमन लिया तो हम क्या लिखेंगे, जेड एल अपॉन ये एक्स। तो चाहे हम पूरा का पूरा लिख दें या फिर इसी को एक्स मान के चले, क्योंकि एक्स टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट, और जे को भी कॉमन ले लें, तो इन प्लस में क्या बचेगा, सिर्फ जेड नॉट बचेगा। यहां पे जेड नॉट अपॉन जे 10 m π/2, तो ये प्लस में बचेगा जेड एल। यहां ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जे 10 m π/2 हमने इधर ऊपर भी कॉमन लिया, नीचे भी, तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और ये आ गया फाइनली। अब हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू है इनफाइनाइट, तो जेड एल अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, जेड नॉट अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो हमारे पास बचा क्या, जेड नॉट इंटू जेड नॉट, तो जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन जेड एल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्वार्टर वेवलेंथ के ऑड मल्टीपल में होगी, ऑड इंटीजर मल्टीपल में होगी, उस केस में इनपुट इंपीडेंस जो है वो होता है हमारा, ध्यान रख लीजिए, जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें तीनों केस देख लेते हैं हम, तीनों केस का मतलब है, अगर फर्स्ट केस देखें हम कौन सा, शॉर्ट सर्किट वाला, तो शॉर्ट सर्किट में हमें देखिए क्या रखना है, जेड एल की वैल्यू 0, तो उस केस में इनपुट इंपीडेंस हो जाएगा जेड नॉट स्क्वायर अपॉन 0, दैट मींस इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट होगा जब लोड, तो इनपुट इंपीडेंस हमें इनफाइनाइट दिखेगा, मतलब ओपन ऐसा दिखेगा इनपुट साइड से, कि जब लोड है शॉर्ट तो हमें इनपुट साइड से ऐसा दिखेगा कि ओवरऑल इंपीडेंस इनफाइनाइट, दैट मींस ओवरऑल ओपन सर्किट है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट में जेड एल को हमें इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो जब जेड एल इनफाइनाइट रखेंगे तो जेड नॉट स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट दैट विल बी इक्वल टू 0, तो हमें इनपुट इंपीडेंस 0 दिखेगा, दैट मींस हमें ऐसा लगेगा इनपुट साइड से देखने पे जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो ओवरऑल, जबकि लोड क्या है, ओपन सर्किट है। थर्ड कंडीशन अगर हम देखेंगे, इंपीडेंस मैचिंग वाली कंडीशन,
तो इम्पीडेंस मैचिंग के केस में हमें जेड नॉट स्क्वायर जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एल रखना है, तो चाहे इसकी जगह ये रख दो चाहे इसकी जगह ये, तो कितना आ जाएगा जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, तो एक जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल, तो ये जेड नॉट आ जाएगा और यही जेड एल के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा लोड इम्पीडेंस। पहली वाली कंडीशन में भी इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस आया था, लेकिन वहां पे लोड इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल नहीं थे, यहां पे है थर्ड कंडीशन में इक्वल, सॉरी सेकंड कंडीशन के थर्ड पार्ट में क्या है इक्वल है, तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जेड इन इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एल आ चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी ये तीनों कंडीशन तो पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में हमने बोला है एल इज इक्वल टू फोर एन प्लस वन लैम्डा बाई एट, तो हम एक काम करते हैं पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन टू पाई बाई लैम्डा इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है फोर एन प्लस वन और लैम्डा बाई एट, इसे सॉल्व करके अलग से देख लेते हैं जिससे बार बार ना हमें सॉल्व करना पड़े, तो 10 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई अपॉन 4, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें देखना है इसकी वैल्यू, n की वैल्यू किस किस के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, एंड सो ऑन। जब n की वैल्यू हम रखते हैं 0, तो ये सिंपली पाई बाई 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी 1। जब n की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, जिसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस पाई बाई 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4, और 10 पाई प्लस पाई बाई 4 that will be equal to simply 10 pi by 4 that will be also equal to 1। ऐसे ही n की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, इस पार्ट की वैल्यू क्या आने वाली है प्लस 1 ही आने वाली है। दैट मींस इस थर्ड केस के लिए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, थर्ड केस कौन सा है जिसमें कि जो लेंथ है वो कितनी आ रही है हमारी, या तो लैम्डा बाई 8 या फिर आ रही है कितनी 5 लैम्डा बाई 8 या फिर आ रही है 9 लैम्डा बाई 8 या फिर एंड सो ऑन। उस केस में अगर हम देखें तो इनपुट इंपीडेंस आएगा z नॉट इनटू zl प्लस j z नॉट, और 10 इसकी वैल्यू अभी निकाल के देखिए हमने प्लस 1 आ रही थी तो उसकी जगह प्लस 1 डायरेक्टली लिख दिया अपॉन z नॉट प्लस j zl, ये डायरेक्टली इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक बार निकाल के देख लिया करो, जो भी एल की वैल्यू है उसको यहां पुट करो और अलग से इस पार्ट की वैल्यू निकालो और रख दो, तो इसको मत याद करना, लेकिन ये दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर ही लेना। सिमिलर तो ये हो गया हमारा कौन सा थर्ड केस हो गया, थर्ड केस में हम तीनों अलग अलग चेक कर सकते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में अगर फर्स्ट केस चेक करना है तो ZL इज इक्वल टू क्या है 0, ZL की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो Z in इज इक्वल टू ये 0 ये 0, तो एक Z नॉट से एक Z नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा J Z नॉट, मतलब कि जब लोड होगा शॉर्ट सर्किट उस केस में अगर लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इस प्रकार से हो लैम्डा बाई 8 या 5 लैम्डा बाई 8 या 9 लैम्डा बाई 8, तो हमारा इनपुट इंपीडेंस जो है वो जे जेड नॉट आएगा, मतलब प्योर इमेजिनरी आएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्योर रियल है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स में है तो फिर जे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो इनपुट इंपीडेंस आ जाएगा। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो यहां पे लोड इंपीडेंस इनफाइनाइट है, यानी कि यहां से लोड इंपीडेंस कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से लोड इंपीडेंस कॉमन लेना पड़ेगा, तो Zin इज इक्वल टू आ जाएगा Z नॉट, ZL यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, तो ZL से ZL कैंसिल, ये 1 बचेगा प्लस J Z नॉट अपॉन ZL, यहां से भी ZL हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा Z नॉट अपॉन ZL प्लस J। अब ZL की वैल्यू हमें कितनी पुट कर देना है सेकंड वाले केस में इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना Zn इज इक्वल टू Z नॉट इनटू 1 अपॉन J, मतलब Z नॉट अपॉन J दैट इज इक्वल टू J का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो J स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब -J Z नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले केस में J Z नॉट आ रहा था, दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है -J Z नॉट ओपन सर्किट के केस में। सिमिलरली थर्ड केस की अगर हम बात करें थर्ड केस, तो थर्ड केस में देखिए अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो तीनों निकाल रहे हैं एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन ये दोनों हम बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखिए।
क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, हमें सॉल्व नहीं करना होता है। हालांकि सॉल्व करने की प्रोसेस भी आना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि लैम्डा वाई टू का अगर मल्टीपल होगा इंटीजर मल्टीपल तो सीधा सीधा लोड के बराबर हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस, और अगर लैम्डा वाई फोर का ऑड मल्टीपल होगा तो हमें सीधा सीधा जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल रखना है, बाकी ना तो आप सॉल्व कर लिया कीजिए। जेड एल इज इक्वल टू, अगर जेड नॉट हो जाता है तो उस केस में देखिए जेड एन इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे ZL रख दीजिए, यहाँ पे भी ZL, तो ZL प्लस JZL, यहाँ भी ZL प्लस JZL कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल आ जाएगा थर्ड केस में। तो ये केस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपको कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब अगर इतनी लेंथ हो तो उसका इनपुट इम्पीडेंस कितना निकलेगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन ये केस हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये दो केस तो ऐसे हैं जिनको जो आपको कंठस्थ के याद होने चाहिए, बाकी दो केस आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट तो मिलेंगे अगर आप पर्टिकुलर गेट की बात करें तो। फोर्थ केस की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ केस में हम देख रहे हैं कि L इज इक्वल टू 4n-1 इनटू लैम्डा बाय 8, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है हमने, तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 8, फिर n 2 रखेंगे तो हो जाएगा 7 लैम्डा बाय 8, फिर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 11 लैम्डा बाय 8, मतलब जो इससे पहले वाले केस में जो और टर्म मिसिंग थे वो यहाँ आ गए, इसको और इसको मिला के हम बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 8, लेकिन आधे में क्या आ रहा है, 10 की वैल्यू बना रही थी, और इसमें देखते हैं 10 की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे यहाँ पे हम चेक करें कि 10 2π/λ इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4n-1 इंटू लैम्डा बाय 8, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये हो जाएगा नीचे 4, दैट विल बी इक्वल टू 10π 4n-1 डिवाइडेड बाई 4। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 1 अगर हम रख दें तो n इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 3π/4, 10 3π/4 को हम लिख सकते हैं 10π-π/4, दैट विल बी इक्वल टू -10π/4, दैट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा 7 लैम्डा, सॉरी यहाँ पे आएगा 7π/4, जिसको हम लिखेंगे 2π-π/4, और वो भी -10π/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अगेन हो जाएगी -1। मतलब यहाँ पे इन हर वैल्यूज के लिए 10 की जो वैल्यू है वो -1 आ रही है, तो जब 10 की वैल्यू -1 आ रही है तो बहुत आसानी से हमारा इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगा कितना, जेड नॉट जेड एल, अब यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 जे जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जे जेड एल। अब बिल्कुल आसान है, यहां पे तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस बोल रहा है शॉर्ट सर्किट, जेड एल इज इक्वल टू 0, तो जब जेड एल की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0, तो बचेगा माइनस जे जेड नॉट अपॉन जेड नॉट, जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, माइनस जे जेड नॉट। ध्यान रखिए पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में माइनस जे जेड नॉट यहां आ रहा था जबकि इसमें आ रहा है यहां, तो रटने की जरूरत नहीं है, आप तो वैल्यू पुट करके देख लिया कीजिए। केस टू की अगर हम बात करें, इसी में सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में हमें क्या करना है, इनफाइनाइट पुट करना है लोड इंपीडेंस की, तो यहां से जेड एल कॉमन लो, यहां से जेड एल कॉमन लो, तो जेड एन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड नॉट, ये जेड एल कॉमन लिया तो 1 - j z0 / z l, यहां से जेड एल कॉमन लिया तो आ जाएगा जेड नॉट अपॉन जेड एल माइनस जे जेड एल की, और जेड एल से जेड एल कैंसिल हो जाएगा जो कॉमन लेंगे, जेड एल की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो ये जीरो, तो कितना बचा है जेड नॉट माइनस जे, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 अपॉन -j, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो जे जेड नॉट जो आ रहा था उस पहले वाले में जो शॉर्ट सर्किट के लिए आ रहा था, दूसरे वाले में वो ओपन सर्किट के लिए आ रहा है। थर्ड केस अगर हम यहीं पे डिस्कस करें तो थर्ड केस में हम देखेंगे कि इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू, देखिए जेड एल की जगह हमें सिंपली क्या रख देना है, जेड नॉट रख देना है, तो ये जेड नॉट माइनस जे जेड नॉट, और यहां पे भी हो जाएगा जेड नॉट माइनस जे जेड नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल, जो कि इसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा है। तो ये चार केस हैं, चारों केस के तीन तीन पार्ट हैं, जिनमें ये दो केस और इन दोनों केस के तीन तीन पार्ट, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इनको तो आप ऐसे ही सॉल्व करके देखिए,
मतलब रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो चीज, याद रखना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको मत रटिए। लेकिन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें जरूर याद कर लीजिए कि लैम्डा वाई टू का जब भी इंटीजर मल्टीपल मिले अगर आपको लेंथ, तो सीधा सीधा इनपुट इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के इक्वल हो जाएगा। और जब भी लैम्डा वाई फोर के ऑड मल्टीपल मिले, लैम्डा बाई टू का इंटीजर मल्टीपल, इवन नहीं बोल रहे हैं यहां पे, ध्यान रखना यहां सिर्फ इंटीजर, मे बी ऑड और इवन, फर्स्ट वाले केस में सिर्फ इंटीजर मल्टीपल, जबकि सेकंड वाले केस में हम बोल रहे हैं लैम्डा बाई फोर का सिर्फ ऑड मल्टीपल। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड वाले केस में लैम्डा बाई फोर का इंटीजर मल्टीपल करेंगे, तो जैसे ही लैम्डा बाई फोर का इंटीजर मल्टीपल करेंगे, तो मान लो टू रखा, तो टू से फोर कैंसिल होकर वो लैम्डा बाई टू, मतलब वो एक्चुअली लैम्डा बाई टू का इंटीजर मल्टीपल बन जाएगा, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। तो इस केस में जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल, और उस केस में हमारा हो जाएगा जेड एल के इक्वल इनपुट इंपीडेंस। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, विड्थ कम या ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक सिंपल एक ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन गई और इसकी विड्थ कम हो गई, तीसरी ट्रांसमिशन लाइन गई, सेम विड्थ से भी जा सकती है, विड्थ से आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ लेंथ पे फोकस करना है, जिसमें कि इसकी लेंथ ही आपको लैम्डा बाई फोर गिवेन है, इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवेन है थ्री लैम्डा बाई फोर, और इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो भी आपके पास गिवन है लैम्डा बाई फोर। आपसे पूछा गया है इनपुट इंपीडेंस बताइए, यहां से इस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट से इनपुट इंपीडेंस बताइए। तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन किसी को भी, इसको मान लीजिए, इस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इंपीडेंस यहां से निकालिए जेड इन वन, ये इसको मान लेते हैं जेड इन वन, तो जेड इन वन आप निकाल लीजिए। दूसरा इस बड़ी वाली, ये जो इधर को ऊपर को गई है, इसका भी इनपुट इंपीडेंस निकाल लीजिए जेड इन टू, तो दूसरा निकल जाएगा आपके पास जेड इन टू। अब आप देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन और ये ऊपर जो जा रही है ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रही होंगी, कैसे पैरेलल में पता चलता है कि दोनों के, देखिए इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, मीन्स पैरेलल में। सिंपल सी बात है कि एक ट्रांसमिशन लाइन इधर को गई, एक ट्रांसमिशन लाइन इधर को गई, तो ये देखिए दोनों यहां पे पैरेलल है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अब देखिए एक टर्मिनल तो यहां कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल यहां, तो यहां पे देखिए इसकी जो करंट होगी वो दोनों में करंट सेम होगी, तो ये ट्रांसमिशन लाइन और ये ट्रांसमिशन लाइन सीरीज में होगी अगर करंट सेम होगी तो, जबकि इसमें और इसमें देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ पे इनपुट पे, तो ये दोनों किस में कहलाएंगी, पैरेलल में कहलाएंगी। तो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इनपुट इंपीडेंस निकालना है और इसका इनपुट इंपीडेंस निकालना है, चूंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो यहाँ पे फाइनली ये लाइन खत्म होके एक इनपुट इंपीडेंस आ जाएगा, ये लाइन खत्म होके एक इनपुट इंपीडेंस, एक सिंपल रेजिस्टेंस इंपीडेंस, दोनों इंपीडेंस होंगे पैरेलल में, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। जब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाएंगी, एक सिंपल लोड आ जाएगा, और वो लोड इसके लिए किसकी तरह, वो इंपीडेंस जो है वो इसके लिए, इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसकी तरह काम करेगा, लोड की तरह काम करेगा, तो उसका लोड और ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से फिर फाइनल इनपुट इंपीडेंस निकाल लेंगे। तो जेड इन वन की अगर हम बात करें इस ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहां पे देखिए लैम्डा बाई फोर का ऑड मल्टीपल है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ, जब भी लैम्डा बाई फोर का ऑड मल्टीपल होती है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ, तो जेड इन इज इक्वल टू होता है जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल। तो बहुत आसानी से इस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इंपीडेंस हम निकाल सकते हैं, इसका जेड नॉट है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस इसका है 40, तो ये हो जाएगा 40, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इंपीडेंस आ गया 10 ओम, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन का देखें तो इसकी भी लेंथ है लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर के केस में ऑड मल्टीपल में यही आता है इनपुट इंपीडेंस, तो यहां से अगर हम निकालें तो जेड नॉट है 40, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा कितना 1600, डिवाइडेड बाई लोड कितना है 160, तो ये कैंसिल होगा, तो अगेन ये भी आ गया है 10 ओम। अब दोनों के इनपुट इंपीडेंस 10 ओम आ गया है, और दोनों देखिए इनपुट साइड में दोनों ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जब हम इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन को हटा के इनके इनपुट इंपीडेंस इक्विवेलेंट को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन ऐसी बचेगी जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 20 ओम है, और यहाँ पे पैरेलल में दो इनपुट इंपीडेंस कनेक्ट हो जाएंगे, एक जेड इन
वन और एक जेड इन टू, ये दोनों पैरेलल में है, इनका जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो फाइनली यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे जेड इन वन पैरेलल जेड इन टू, और यही इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसकी तरह काम करेगा, लोड की तरह काम करेगा। तो अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का लोड निकालना है तो दैट शुड बी इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, दैट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 20, तो 5 ओम। तो 5 ओम आ चुका है हमारा लोड इसका ओवरऑल का, और इसका जो लोड 5 ओम आया है इसकी लेंथ देखिए, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है, लैम्डा बाई 4, मतलब अब ये लैम्डा बाई 4 का ऑड मल्टीपल। तो अगर ये इसका इनपुट इंपीडेंस फाइनली हमें निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल, तो जेड नॉट कितना है 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई जेड एल, इसके लिए जेड एल कितना आया है 5, तो ये 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। तो फाइनल जो आंसर है इनपुट इंपीडेंस का, इस कॉम्बिनेशन का इनपुट इंपीडेंस कितना आ गया है आपका 80 ओम आ गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ये तो एक एग्जांपल था क्योंकि हमने डेरिवेशन कराया तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कराना था तो एक क्वेश्चन करा दिया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट के का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।